हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चाउमीन। चाउमीन किसको नहीं पसंद होती है? चाउमीन तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। तो आज हम बनाएंगे चाउमीन, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही एक अलग तरीके से, जिससे कि हमारी चाउमीन बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और बहुत ही डिलीशियस। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या सामान चाहिए। ये हमने नूडल्स लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये हमने विनेगर लिया है, ये हमने सोया सॉस लिया है, ये बारीक कटा हुआ प्याज है, ये बंद गोभी को काट लिया है बारीक, ये गाजर को चॉप कर लिया है फाइन चॉप, ये बीन्स है इनको भी फाइन चॉप कर लिया है, ये कैप्सिकम है इसको भी फाइन चॉप कर लिया है, ये हमने अजीनोमोटो लिया है और ये टोमेटो केचप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने गैस ऑन कर दी थी और गैस पर भगोना रख दिया है, उसमें पानी चढ़ाकर पानी गर्म होने लगा है, इसमें हमने नमक पहले ही डाल दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, और इसमें नूडल्स को डालेंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे, नूडल्स को आप बीच से तोड़ लें। क्वांटिटी आप नूडल्स की अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने इसमें नूडल्स डाल लिए हैं, उनको चला देंगे हल्का सा और इनको पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। पकने के लिए छोड़ देंगे, हमें इनको 90% ही पकाना है, 10% जब हम फ्राई करेंगे तब पक जाती हैं। ये देखिए हमारे नूडल्स बॉयल हो गए हैं, अब हमें इससे ज़्यादा और नहीं पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक चलनी में छान लेंगे और इसको पानी से अच्छे से वाश करके एक कपड़े में फैला देंगे। हमने गैस ऑन कर दी है, इसमें कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें अपनी फाइन चॉप्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी और इनको अच्छे से चला लेंगे। इन्हें हमें हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो हम इसको 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी लगभग हल्की हल्की पक गई है, इनको हमने हाई फ्लेम पे पकाया है जिससे कि इनमें क्रंचनेस बरकरार रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर 2 चम्मच, और 2 चम्मच इसमें हम सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। साथ में इसमें हम थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 चम्मच अजीनोमोटो और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बॉइल की हुई नूडल्स डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम को हमें हाई रखना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी नूडल्स बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आपको हम प्रेजेंटेशन इसका दिखाते हैं। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज नूडल्स बनकर तैयार है। देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर आने वाली मेरी नई रेसिपीज़ के अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।